हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर स्टडीज। तो आज की जो वीडियो है वो है रीजनिंग सेक्शन पे। और आपको पता है सभी को कि आज टेंथ में तीन नए सेक्शन आ गए हैं, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और हरियाणा जीके। और आपको सभी कंफ्यूज है कि रीजनिंग में क्या क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे उसकी प्रिपरेशन करें। तो उन सभी के लिए जिनको इस सेक्शन में कन्फ्यूजन है, आपको पता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन रीजनिंग में से आएंगे। तो उस रीजनिंग को कवर करने के लिए मेरा ये टॉपिक है आज का जो हम कवर करेंगे। आज का टॉपिक जो रीजनिंग सेक्शन में से हम कवर करेंगे वो होगा सीरीज। देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपको रीजनिंग सेक्शन में, ठीक है। सीरीज का एक या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे रीजनिंग में, ये कवर करते हैं सीरीज सेक्शन को। देखिए पहला क्वेश्चन, पहली सीरीज है 1, 9, 25, 49। अब आपको फाइंड आउट करना है कि 49 के बाद क्या आएगा, ठीक है। अब देखिए, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर, अब उसके बाद 11 का स्क्वायर, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, प्राइम नंबर्स का स्क्वायर। तो बीच में अब क्या आएगा, एक बार इसका आपका सोल्यूशन भी दिखा देती हूँ आपको। देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कब आएगा, 9 का स्क्वायर 81। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 81। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 4, 7, 12, 9 एंड 28। तो अब 28 के बाद क्या आएगा, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम इसको। देखिए, फर्स्ट टर्म है 4, उसके बाद 4 में 3 ऐड किए 7, 7 में 5 ऐड किए 12, 12 में 7 ऐड किए 19। मीन्स हम प्राइम नंबर ऐड करते जा रहे हैं इन डिजिट्स में, ठीक है। इसमें हमने 3 ऐड किया, पहले तो 4 है, ठीक है, उसके बाद हमने 3 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, फिर 7 ऐड किया, फिर 9 ऐड किया, तो अब हम ऐड करेंगे इसमें 11। तो 28 प्लस 11 हो जाएगा हमारा 39। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 6, 11, 21, 56। आपको ध्यान से देखना है सीरीज को, आपने हर मेथड अप्लाई करना है कैसे बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 6 प्लस 5 11, ठीक है, देखिए 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 10 21, 21 प्लस 15 36, 36 प्लस 20, मींस इसमें 5, 10, 15, 20, 25 ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। तो 56 में हम 25 ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 81। नेक्स्ट सीरीज को देखते हैं, 10, 100, 200, 310, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट फाइंड आउट करना है, देखिए सोल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। सेकंड टर्म 100 है, मतलब 100 प्लस 90, ठीक है। उसके बाद हो गया 200 पे जाना है, तो 200, 100 प्लस 100, पहले 90 ऐड किया, फिर 100 ऐड किया, उसके बाद 110 ऐड किया, 200 में 110 ऐड किया तो 310 हो गया, तो अब आएगा 120 ऐड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 430। ध्यान से देखिए है सोल्यूशन इसका, पहले 90 ऐड किया, फिर 100 ऐड किया, उसके बाद 110 ऐड किया, फिर 120 ऐड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 8, 28, 116, 584, ठीक है। आइए आपको सोल्यूशन बताऊँ इसका, देखिए 8 × 3 24, 24 + 4 = 28, ठीक है। ऐसे 28 × 4 + 4, ठीक है, और ऐसे 28 + 4 होता है 112 + 4 = 116, ठीक है। 116 × पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और 4 ऐड कर दिया, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 ऐड कर दिया, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया 116 को, और 4 ऐड कर दिया, ठीक है। ऐसे 582 का आउटपुट अब करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और उसमें 4 ऐड कर देंगे, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3508। नेक्स्ट सीरीज हमारे पास 3, 7, 23, 95। ध्यान से देखिए, अपना लॉजिक लगाने की कोशिश कीजिए, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 3 × 2 कीजिए, 3 × 6 + 1, ठीक है, 2 हमने किया था, 3 × 6
टू से, अब सेवन सेवन थ्री था 21, ठीक है, और प्लस टू, ठीक है। अब हमारा जो है मल्टीप्लीकेशन वो भी बढ़ेगा और जो एडिंग का नंबर है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। उसमें टू ऐड कर दिया। नेक्स्ट है 23 को हमने अब 3 से मल्टीप्लाई किया, इसके पहले 2 से किया था, फिर 3 से किया मल्टीप्लाई, फिर 4 से किया, फिर 5 से किया, और सब में एडिशन भी हम यहाँ पे 1 करेंगे, यहाँ पे 2 करेंगे, यहाँ 3, यहाँ 4, ठीक है। तो 95 into 5 plus 4 हमारा चल जाएगा 479। ध्यान से देखिए 3 into 2 plus 1 7 into 3 plus 2 23 into 4 plus 3 95 into 5 plus 4 नेक्स्ट इज 7 26 63 129 215 342 देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। पहले है 7 क्या है 8 2 का क्यूब है 8 8 माइनस 1 7 ठीक है। उसका 3 का क्यूब है 27 तो 27 माइनस 1 26 ऐसे ही 4 का क्यूब है 64 उसमें से 1 माइनस कर देंगे 63 5 का क्यूब है 125 माइनस 1 124 6 का क्यूब है 216 तो उसमें से 1 माइनस कर देंगे 215 7 का क्यूब है 343 तो उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 342 रह जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे 8 का क्यूब, 8 का क्यूब है 512 तो उसमें से 1 माइनस करके हमारे पास रह जाएगा 511। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 165 195 255 285 345 चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। देखिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ईच नंबर ऑफ अ गिवन सीरीज इज 15 मल्टीपल बाय अ प्राइम नंबर, ठीक है। मतलब प्राइम नंबर को और 15 को हमने मल्टीप्लाई किया है, 15 into 11 15 into 13 15 into 17 15 into 19 and 15 into 23 तो देखिए 15 into 11 होता है 165, ठीक है। 15 into 13 होता है 195, 15 into 17 होता है, ध्यान दीजिए 15 को मल्टीप्लाई किया है 11 से स्टार्ट होकर प्राइम नंबर से, ठीक है। तो नेक्स्ट है 15 into 29 तो आ जाएगा 435, 15 into 29 आ जाएगा 435, ठीक है। और देखिए इसका एक और पैटर्न है, देखिए इसमें प्लस 30 किया है और इसमें प्लस 60 किया है, देन 30 किया देन 60 किया, ये थोड़ा इजी है, प्लस 30 प्लस 60, ठीक है। 165 प्लस 30 195, 195 प्लस 60 225, 255 प्लस 30 285, 285 प्लस 60 345, 345 प्लस 30 375, आंसर आ जाएगा 375, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 45 56 67 इसे सॉल्व करेंगे हम, सब में 11 ऐड करते जाएंगे, ठीक है। 34 प्लस 11 45, 45 प्लस 11 56, 56 प्लस 11 67, 67 प्लस 11 78। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 2 7 6 11, ठीक है। अब सेकंड इज द नंबर, इसका सॉल्यूशन है सेकंड नंबर इज लेस देन 1, लेस बाय 1 देन द फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर इज मोर देन मोर बाय 5 देन द सेकंड नंबर, ठीक है। थर्ड नंबर क्या है, इससे 1 कम है और ये 1 से 5 ज़्यादा है, अगेन ये इससे 1 कम है, ये से 5 ज़्यादा है, तो ये नंबर जो होगा वो इससे 1 कम होगा, ठीक है। तो आ जाएगा 10। देखिए दो
जो फर्स्ट नंबर है वो दो से एक नंबर कम है, और जो थर्ड नंबर है वो दो से पांच नंबर ज्यादा है। ऐसे ही देखो, छह से जिससे आगे वाला नंबर है एक नंबर कम है, और जो पीछे वाला नंबर है वो पांच नंबर ज्यादा है। तो ध्यान से सीरीज शो करिएगा। तो ये थे हमारे रीजनिंग के 10 क्वेश्चन सीरीज के। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं कोई और टॉपिक लेके आऊँगी, आप इन सीरीज के क्वेश्चन का और प्रैक्टिस कीजिएगा। आप खुद सीरीज के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कीजिए जो भी आपको प्रॉब्लम आए इस लेक्चर में, आपको कोई प्रॉब्लम आए। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियो बनाऊँ सीरीज से ही रिलेटेड, तब भी मुझे मैसेज करके बताइएगा, और चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जब भी, और बेल आइकन भी क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका पता चल जाए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।